नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत में आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा। कश्मीर घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि कश्मीरी हमारे अपने लोग हैं जिन्हें बरगलाया जा रहा है, लेकिन हम कश्मीरियत, जमहूरियत एवं इंसानियत के साथ कश्मीर के हालात को सामान्य बनाएंगे और उसके गौरव एवं शोहरत को बहाल करेंगे। राजनाथ ने कहा कि गैर घातक हथियारों के रूप में पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। गृहमंत्री ने कहा कि आज कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में पड़ोसी देश की भूमिका है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, उसका नाम पाक है लेकिन उसकी सारी हरकतें नापाक है। वह भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। नीतीश के गृह जिले नालंदा में फहराया पाकिस्तानी झंडा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के खरादी मोहल्ला स्थित एक मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने से पुलिस और प्रशासन सख्ते में है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि खरादी मोहल्ला स्थित एक मकान की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडे को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में घर में मौजूद महिला शबाना अनवर को गिरफ्तार किया गया है। बसपा ने किया संसद भवन पर प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गुरुवार को कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भाजपा के नेताओं को खुद FIR दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को पार्टी से हटाना सामान्य प्रक्रिया बेहतर होता तो उसके खिलाफ खुद FIR दर्ज कराते। मायावती ने कहा कि अगर भाजपा नेताओं ने दयाशंकर के खिलाफ खुद FIR दर्ज कराई होती तो वे मेरा दिल जीत लेते। इससे पहले बसपा ने दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए संसद भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर के 4 जिलों से कर्फ्यू हटाया गया। कश्मीर में स्थिति में सुधार के चलते 4 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, जहां गुरुवार को स्कूलों को फिर से खुलना था। हालांकि एहतियात के तौर पर घाटी के शेष 6 जिलों में लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घाटी के बांदीपुरा, बारामूला, बड़गांव और गंदरबल जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन जिलों में CRPC की धारा 144 के तहत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। भूस्खलन से सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क टूटा। पश्चिम बंगाल में सीवोक काली मंदिर में भारी भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के बंद होने के कारण कलिमपोंग, डुअर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट गया। सीमा सड़क संगठन और राज्य के लोक निर्माण विभाग ने बताया कि भारी भारी चट्टानों के गिरने से हिमालयी राज्य सिक्किम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 बंद हो गया है। कलिमपोंग, डुअर्स और पूर्वोत्तर राज्यों से भी संपर्क टूट गया है और आवश्यक सामानों को लेकर जा रहे ट्रक राजमार्ग पर फंस गए हैं। इसे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।